हेलो बेटा, देखिए अगर आपने इस वीडियो को इसलिए बेटा क्लिक किया है कि अगर आप वाकई में एग्जाम में 5 मार्क्स लाना चाहते हैं और रिपोर्ट राइटिंग में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, परफेक्शन चाहिए, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहला काम आपको बेटा ये करना होगा कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज का ये जो सेशन है आपको पूरे ध्यान से अटेंड करना है। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा अच्छे से सुनना है और उसको अपने नेक्स्ट जो भी आप होमवर्क होगा मैं आपको एंड में दूंगा उसमें अप्लाई करना है, तो आप पाएंगे कि वाकई में अब रिपोर्ट राइटिंग इस लेक्चर के बाद आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी। ओके, तो पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बिना अपने ध्यान को कहीं और भटकाए। अगर आप वाकई में ये 5 नंबर फिक्स करना चाहते हैं एग्जाम में, और बहुत ईजी होता है ये 5 नंबर बेटा एग्जाम में पाना, बस आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होता है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहली बात चलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे बेटा कि आखिर वो 5 नंबर जो आपको मिलेंगे किन किन पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, तो पहला एक नंबर आपको मिलेगा फॉर्मेट का, यानी कि आपको पूरे फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करना है। यानी कि आपने फॉर्मेट को फॉलो कर लिया तो देखिए बस यहीं से आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकेंड नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि जो भी आप अपनी बातों को रख रहे हैं आप उसको प्रॉपर एक तरीके से रखना है। अगर आप उसके प्रॉपर मैनर में रख रहे हैं तो वहां पे भी 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स तो देखिए आपकी जनरल चीजों की हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और इसी को बेटा आपको अप्लाई करना है अपने नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग में जो भी आप लिखेंगे। कंटेंट, जो भी कंटेंट जो भी डेटा आप लिखते हैं उस डेटा के आपको मिलते हैं टोटल 2 मार्क्स, प्लस एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक करते हैं तो वहां पे आपके ये मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे पहली चीज आपको फोकस करना है कि आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। सेकेंडरी, आपका सारे पॉइंट्स को रखने का तरीका बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और आपका कंटेंट थोड़ा सा मैच्योर्ड होना चाहिए, अच्छे वर्ड्स का आप इस्तेमाल करने की कोशिश करो, एंड द एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक। ओके, अब आइए चलते हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। तो बेटा देखिए रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले ये बहुत जरूरी है आप ये समझ लें कि एक्चुअल में रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, किस प्रकार की लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना होता है और किस पर्पस में वो यूज होती है। तो देखिए अगर हम रिपोर्ट राइटिंग की बेटा बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग इज अ डिस्क्रिप्शन, ये एक डिस्क्रिप्शन होता है, या फिर मैं यू कहूं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट की जो है ब्रीफ में एक डिटेल होता है जिसमें केवल इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप रखते हैं, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस, वो घटना क्या हो चुकी होती है, पहले ही हो चुकी होती है। इट इज रिटन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ऑफ द रिपोर्टर, आपने कई सारी न्यूज देखी होगी, आपने न्यूज के रिप्रेजेंटेटिव यानी रिपोर्टर्स को देखा होगा कि कैसे वो किसी बातों को रखा करते हैं। तो एक रिपोर्टर के बिहाफ पे, एक रिपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लिखना होता है, अपने आप को इमेजिन करना होता है कि मैं एक रिपोर्टर हूं तो मुझे क्या क्या डिटेल्स मेंशन करने चाहिए। इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट हेल्प्स रिकॉर्डिंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट दैट ऑकर्स इन आर डे टू डे लाइफ, तो बेसिकली ये किस क्या सेंस होता है हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हो रही होगी उसका एक इंपॉर्टेंट फुटेज, एक रिकॉर्ड रखने के पर्पस से इसको लिखा जाता है। इट अटेम्प्ट्स टू गिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट, स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग वंस आइडियाज, यानी कि बेसिकली ये होता क्या है बेटा, किसी भी कोई भी रिपोर्ट, कोई भी घटना घटी है किस प्रकार के भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसका जो पहला जो रिपोर्ट होता है वो होता है, उस पर ओपिनियन क्या है, उसका इंप्रेशन क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं रिपोर्ट राइटिंग मेंशन करते हैं। ये कुछ छोटी सी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हमने मेन मुद्दे पे, अगर हम बात करें कि आपके 12th सिलेबस में टोटल कितने प्रकार के न्यूज यानी कि रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स विच विल बी देयर इन योर सेल। पहला, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट, यानी कि कोई एक्सीडेंट कहीं पे हो गया है, कोई मिस हैपनिंग हो गई है, आपको उसकी क्या करनी है रिपोर्टिंग करनी है, किसके लिए, किसी न्यूज़पेपर के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट आपको लिखना पड़ सकता है, कोई इवेंट आपकी कॉलेज का हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है, तो उस पर क्या करना है आपको रिपोर्ट बनाना है। तो ये 2 प्रकार के रिपोर्ट राइटिंग आप लोग के सिलेबस में आते हैं। अब यहां से शुरू होती है आपकी असली कहानी, इसको ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत परफेक्शन के साथ आप लोग को अप्लाई करना है अपने रिपोर्ट राइटिंग में। तो जब कभी भी आप बेटा रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है,
हेडलाइन एक ऐसा मैं से कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो आपके पूरे की पूरे रिपोर्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करता है कि आखिर वो रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है। ओके, ये रिपोर्ट आप जो हेडलाइन लिखेंगे, हेडलाइन बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। देखिए, इट शुड बी कैची। कैची मतलब कहते हैं हैंडी, इजी, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। एंड कन्वे द मेन पॉइंट ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट किसके बारे में, बेसिकली उससे रिलेटेड ये होना चाहिए। और जैसे ही आप रिपोर्ट की हेडिंग बना लेंगे, टाइटल बना लेंगे, टाइटल लिखने के बाद उसके ठीक नीचे आप लिखते हैं बाईलाइन। बाईलाइन क्या होता है? बाईलाइन का मतलब हुआ कि इट कैरीज द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। जो व्यक्ति रिपोर्ट को लिख रहा है ये उसका नाम होता है। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। कई बार क्वेश्चन में ये नाम दिया रहता है, कई बार क्वेश्चन में ये नाम नहीं दिया रहेगा, तो आप बाय एक्स वाई जेड कर सकते हैं या कोई आप अपना एक इमेजनरी नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या मेंशन करना होता है थर्ड नंबर पे? अगर आप न्यूज के लिए लिख रहे हैं तो याद रखिएगा न्यूज़पेपर के लिए वहां पे आप डेट एंड प्लेस लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई फंक्शन या इवेंट का आप रिपोर्टिंग लिख रहे हैं तो वहां पे जरूरी नहीं कि आप डेट एंड प्लेस मेंशन करें। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो क्या होता है? इट सिंपली कैरीज द नेम ऑफ द प्लेस एंड वेयर द न्यूज रिपोर्ट इवेंट, यानी कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपको डेट और प्लेस लिखना है, कहाँ की घटना है, किस तारीख की घटना है। ओके, अब यहां से आपका मेन इंपॉर्टेंट शुरू होता है। पहला होता है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? आप जिस भी इवेंट के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिस भी एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, सबसे पहले जो भी उसकी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है आप वो मेंशन करते हैं। सीधा आप डिटेल पे नहीं आते, पहले क्या हुआ आप इस पे बताएंगे, कैसा क्या, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी क्या ओपनिंग पैराग्राफ में आप क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं जो भी बहुत ही रेलिवेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, जो भी घटना है, जो भी प्रोग्राम, जो भी ऑकरेंस है उसके बारे में आप बताते हैं। जैसे कि उसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हैं, कॉज वो क्यों हो रहा है, कहाँ पे हुआ, इन सब डिटेल्स को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी डिटेल, यानी ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आपने दे लिया, इंट्रोडक्शन के बाद आप देते हैं डिटेल, जो भी इंसिडेंट हुआ है उस घटना की जितनी भी डिटेल आपके पास है उन सारे डिटेल्स को आप मेंशन करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। और हाँ, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट हो सकता है आप ये दो से तीन पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, इसके दो तीन पार्ट्स भी आप बना सकते हैं। क्लियर? और एंड में क्या होता है? कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में क्या होता है कि एट द एंड आपका क्या एक्शन लिया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या एक्शन लिया गया, कंक्लूजन आप मेंशन करते हैं, क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, वो चीजें मेंशन करते हैं। ओके, देखिए ये डिटेल्स पहले सुनिए, समझिए, फिर अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और बेटा समझेंगे कैसे आप परफेक्शन के साथ एक रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। अब आपने ये जान लिया कि क्या क्या चीजें, यानी कि रिपोर्ट जो लिखते हैं उसका क्या क्या पार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? हेडलाइन। हेडलाइन के ठीक नीचे बाईलाइन। बाईलाइन जो व्यक्ति लिख रहा होता है। फिर क्या लिखते हैं आप? डेट एंड प्लेस ऑफ रिपोर्ट, कि वो किस तारीख की है, कहाँ की है। फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं शॉर्ट में, देन आफ्टर आप डिटेल पे जाते हैं, और एट द एंड आप क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। ये सारे पार्ट होते हैं किसी भी रिपोर्ट राइटिंग की। अब रिपोर्ट राइटिंग बेटा जब आप लिख रहे होंगे तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये जरा देखते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं सो अ गुड रिपोर्टर शुड प्रेजेंट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज क्लियरली एज पॉसिबल, यानी कि आप अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर एंड शार्प रखेंगे, कोई भी ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज आपको यूज नहीं करना है। ओके, एंड राइट इन लेस फॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव मैनर, यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट को भी आपको ध्यान देना है और बेसिकली बहुत डिटेल में होना भी नहीं चाहिए। प्लस ये जो पॉइंट कहा गया है कि बहुत ज्यादा आपको फॉर्मल भी होने की आवश्यकता नहीं, यानी बहुत फॉर्मल लैंग्वेज आप ना यूज करें तो बेहतर होगा। ये पॉइंट बहुत मैटर करेगा। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड पैसिव वॉइस, मैक्सिमम आप कोशिश करिए आपको जितने भी सेंटेंसेस बने सारे इनडायरेक्ट स्पीच में और पैसिव वॉइस का आप इस्तेमाल करिए। देखिए जो मैंने बात अभी ऊपर समझाई थी कि ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज टू बी अवॉइडेड, यानी कि बहुत ज्यादा सजा धजा के, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को आपको नहीं रखना है। क्लियर? और अब यहां से आती है आपकी बारी, वो चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। द कंटेंट शुड इंक्लूड द डिटेल्स लाइक, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये आप याद कर लीजिए, इन सभी को आप एक बाई एक करके पूछते जाएंगे और आप जो जो भी इमेजिन करके आंसर उसमें इंक्लूड कर पाए अकॉर्डिंग टू दैट इंसिडेंट आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनका ऑर्डर क्या है अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा।
कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछना है, उसको आपको रटना पड़ेगा। खैर आगे चलते हैं। द एम ऑफ रिपोर्ट एंड सोर्स फ्रॉम वेयर इट वॉज ऑब्टेन शुड बी मैंशन इन द बिगनिंग इटसेल्फ, यानी भाई वो इवेंट कहाँ की कहाँ से आपको मिला है इसको बिल्कुल शुरू में आप मैंशन करना है। प्रॉपर हेडिंग होनी जरूरी है। वर्ल्ड लिमिट आपकी 120 से 150 ये कॉमन बात है, आपको पता होना चाहिए। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट एंड अराउंड इवेंट, जो भी आसपास की चीजें हैं अगर आप मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। एंड प्रेजेंट इंप्रेशन एंड इंपैक्ट टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका असर क्या होगा, इन सब चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हैं। खैर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज नहीं करना है, डायरेक्टली रेलिवेंट डिटेल्स ही करना है, डिस्क्रिप्टिव बातें नहीं करनी है और बहुत ज्यादा इनफॉर्मल यूज नहीं करना है। और जितने भी आप WH टाइप के क्या है वर्ड्स होते हैं इनको आपको दिमाग में रखना है, वन बाय वन इनसे आपको क्वेश्चन पूछना है, जो आंसर आपको लगे उनको आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे और क्या किन किन बातों को आपको रखना। टाइप वन न्यूज पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट, तो हम यहाँ टाइप वन देखेंगे पहला कि अगर कोई एक्सीडेंट का रिपोर्ट आपको लिखने के लिए आता है, कोई मिस हैपनिंग कहीं पर हुई है उस पर बेटा रिपोर्ट लिखने के लिए आता है तो आप क्या क्या करें। मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं जल्दबाजी में रहेंगे तो आपके मार्क्स कभी भी परफेक्शन के साथ आपको नहीं मिलेंगे। ओके चलिए, अब ये वो पॉइंट है जिसको आपको अच्छी तरीके से बेटा रट लेना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब कभी भी आप रिपोर्ट लिख रहे होंगे किसका, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए। देखिए हेडिंग और बाईलाइन और डेट टाइम तो हो ही गया, अब हम यहाँ बात करें इंट्रोडक्शन की, डिटेल्स की एंड कंक्लूजन की एंड इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले अगर कोई मिस हैपनिंग हुआ है तो आपको पता करना चाहिए कि व्हाट हैपेंड एंड वेयर, क्या हुआ और कहाँ हुआ। वैसे ये सारे पॉइंट्स आपको किसमें लिखना होगा, अगर नॉर्मली किसी इवेंट के लिए भी आ रहा तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहली चीज क्या कि व्हाट हैपेंड, किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में कौन कौन सी गाड़ी इंक्लूड या फिर किसी और प्रकार का भी एक्सीडेंट, यानी मिस हैपनिंग हो सकती है, कहीं भी आग लग गई हो, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो, कई प्रकार की चीज हो सकती है। क्लियर, सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ और कहाँ हुआ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यही करना है। आप पूछेंगे क्या हुआ, उसका एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर कहाँ पे हुआ आप हुँ. उसके साथ फिर अगला क्वेश्चन व्हेन, कब हुआ, अगला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कब हुआ वो घटना, कब हुई और हाउ, कैसे वो घटना घटी, अगर आपको डिटेल पता है तो आप उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद क्यों वो घटना क्यों घटी, अगर आपको आइडिया है इंफॉर्मेशन है आप उसके बारे में लिख सकते हैं क्यों ही, किसी लापरवाही की वजह से, किसी केयरलेसनेस की वजह से, या कोई प्लान था, जो भी है अगर आपको इंफॉर्मेशन है, इफ यू नो, अगर आपको पता है तब आप इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ऐसा है जो व्हीकल या पीपल इन्वॉल्व है उसमें, तो आप क्या करेंगे, कितने कितने लोग इन्वॉल्व, 10 12 20, मान लीजिए किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसमें कुल कितने लोग, अप्रॉक्सीमेट कितने लोग क्या थे इन्वॉल्व, फैक्ट्री के अंदर, ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर, या जिस भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, कहीं पर आग लग गई, कितने लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, उसमें कितने लोग वहां पे थे, इसको आप मेंशन करेंगे। व्हीकल, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें व्हीकल इन्वॉल्व है तो आप व्हीकल को भी क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अच्छा, इतना होने के बाद अगला आपका पॉइंट क्या होगा, आई विटनेस, अगर लेट सपोज कोई व्यक्ति ऐसा आपके सामने आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को कि भाई उसके सामने ही घटना घटी, अगर आपको लगता है तब इसको मेंशन करिएगा। और हाँ, यहां मैं एक बात बोलूंगा, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आपका रिपोर्ट राइटिंग का जो वर्ल्ड लिमिट है, क्योंकि आप रियल में तो रिपोर्टिंग कर नहीं रहे, आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स को देखना, आपको 120 वर्ड भी पहुंचना है, मान लीजिए आपका वर्ड सफिशियंट मिल रहे हैं, आप सेंटेंसेस प्रॉपरली बना पा रहे हैं, तब आपको आई विटनेस लिखने की जरूरत नहीं है। बट आपको सेंटेंसेस कम लग रहे हैं तो आई विटनेस यहाँ पे आपको एक या दो सेंटेंस देगा, किसने देखा, क्या हुआ, कैसे, तो एक दो सेंटेंसेस आप यहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे, तो इसलिए आपको 15-20 वर्ड्स आपके लेटर में रिपोर्ट राइटिंग में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ शुरू होगा डिटेल, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, जहां पे घटना घटी वहां की जितने भी डिटेल हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग देख रहे थे, लोगों ने हेल्प की नहीं की, फिर उन्होंने कॉल किया, ये एम्बुलेंस आई, वगैरह वगैरह वगैरह, तो जितने भी डिटेल्स यहाँ पे आप दे पाएंगे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, तो ये पूरा डिटेल अब आप मेंशन करेंगे, यानी कि इन सब डिटेल्स के बाद। और जब ये हो गया फिर आपका ऑर्डर आएगा लॉस ऑफ लाइफ, कितने लोग की जान चली गई और कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गई, आग लग गई, गाड़ी का, जो भी नुकसान हुआ आप उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके एवरीवन,
अब बेटा देखिए आप क्या करेंगे, डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज डेथ इंजर्ड, यानी वही सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई, इन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करें। फिर अब अच्छा ये तो हो गई, अच्छा घटना घटी तो उसके लिए क्या क्या रेस्क्यू किया गया, बचाव अभियान क्या क्या किए गए, रिलीफ ऑपरेशन क्या कोई वहां पे अरेंज किया गया, बिल्कुल कोई एक्सीडेंट कुछ ना कुछ तो रिलीफ ऑपरेशन किया ही गया होगा, एम्बुलेंस आई होगी, कुछ फर्स्ट एड दिया गया होगा, कुछ कैंप वगैरह लगाए हो गए होंगे कि किस प्रकार का वो मिस हैपनिंग थी, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करें। कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे कैंप वगैरह भी लगाए जा सकते हैं, डॉक्टरों की टीम भी आ सकती है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारे भी मिस हैपनिंग हो सकती है। इसके बाद फिर आप मेंशन करेंगे पुलिस एक्शन, पुलिस ने क्या एक्शन लिया एंड किस प्रकार की इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। इंक्वायरी अगर कहीं पे कोई गैस लीक हो गई जहरीली कोई जो कि बहुत हार्मफुल थी, उसकी वजह से कोई कहीं पर आग लग गई, तो कोई भी इंक्वायरी जो घटना घटी अगर उसमें इंक्वायरी की आवश्यकता थी तो आप इंक्वायरी के क्या ऑर्डर दिए गए उसको भी आप मेंशन करेंगे। और ये हर प्रकार के एक्सीडेंट में बेटा कॉमन है, देखिए इन पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा तभी जाकर के वो 5 out of 5 की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और हाँ एक इन्फॉर्मेशन और कि ऑलरेडी मैंने इन्विटेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको ना देखा हो तो इन्विटेशन एंड रिप्लाइज कंप्लीट 5 marks का फुल पैकेज उसको आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आप जाइए क्लास 12 इंग्लिश वहां पे आपको मिल जाएगा। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जितने लोग उसमें इंजर्ड हुए या जितने लोग की लाइफ जो जान चली गई तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने या फिर जो अथॉरिटी है जो मैनेजमेंट है मान लीजिए तो उसने क्या कंपेंसेशन दिया, 1 lakh 2 lakh 3 lakh से कोई जॉब दिया गया, क्या कंपेंसेशन उनकी फैमिली को दिया गया या कितने अमाउंट उनकी हेल्प की गई, प्लस उस घटना के बाद क्या वार्निंग इशू की गई, क्या रिकमेंडेशंस बताए गए और किन एक्शंस को लेने की आवश्यकता जिससे कि वो घटना दोबारा ना घटे। तो देखिए ये वो सारे पॉइंट्स है बेटा जो आपको दिलाएंगे पूरे 5 में से 5 marks। बस अब आपको क्या रखना है सॉरी इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखना है तभी जाकर के आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी प्रकार के रिपोर्ट राइटिंग को लिख पाएंगे। आर्टिकल की देखिए बात करें बेटा, क्योंकि इसके ऑप्शन में आपको मिलेगा एग्जाम में आर्टिकल, अब आर्टिकल करें या फिर ये करें तो देखिए आर्टिकल की कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन यस रिपोर्ट राइटिंग की लिमिटेशंस हैं। आप इतना ही कंटेंट यूज करके बेटा क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में इजिली आप 5 marks गेन कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, ये 12 points आप रट लीजिए कि इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, आपने रिपोर्ट को लिखना है। ओके अब एक एग्जाम्पल लेते हो समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक्सीडेंट का रिपोर्ट आपको बनाना है। तो ऋषिकेश इज पॉपुलर इन इंडिया फॉर रिवर राफ्टिंग, आप सबको पता होना चाहिए कि ऋषिकेश जो है रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। और हुआ क्या, अ वेल नोन राफ्टिंग गाइड गेट्स ड्रोन इन द रिवर वाइल सेविंग 8 Mumbai टूरिस्ट, यानी 8 जो है मुंबई से टूरिस्ट आए हुए थे उनको सुरक्षा मतलब सेव करने के दौरान वो क्या हो गया, डूब गया नदी में, यानी शायद जो रिवर राफ्टिंग दौरान जो बोट होगी वो पलट गई होगी किसी लापरवाही की वजह से, शायद सिक्योरिटी सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया होगा। तो इस पर आपको क्या बनाना है, एक रिपोर्ट बनानी है जो कि 120 से 150 वर्ड के बीच में होना है। तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक सुटेबल हेडिंग ढूंढेंगे। हमने देखिए बिल्कुल वहीं से पिक कर लिया, राफ्टिंग गाइड ड्रोन्स आफ्टर सेविंग 8 lives, राफ्टिंग जो गाइड था वो क्या हो गया, डूब गया, 8 लोगों का जीवन को बचा दिया। इसमें कोई कठिनाई मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए, इट इज रियली वेरी इजी। सेकंड नंबर पे आपको क्या मेंशन, बाय, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, अगर आपकी क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो आप एक्स वाई जेड कर सकते हैं, आप ABC कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे और क्या मेंशन कर सकते हैं, डेजिग्नेशन, अगर नाम दिया गया है आपके क्वेश्चन में तो नाम डेफिनेटली आप मेंशन करेंगे, अगर नाम दिया गया है रिपोर्टर का वहां पे आपने एक्स वाई जेड या कोई सूडो नाम आपने इमेजिन करके लिख दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये लिखने के बाद बेटा टॉप लेफ्ट जो अलाइनमेंट में आपका होगा बिल्कुल प्राइम, वहां पे आप पहले प्लेस की ये घटना देखिए कहाँ की है, तो ये देहरादून की घटना है, कब की है, 6 January। देखिए ये आप डेट मैंने हिसाब से लिखा है कि पास्ट की बात है, अभी फिलहाल मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 January को, तो ये मेरी प्लानिंग की भाई 6 January में आज घटना घटी है, मैं उसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ। ओके एवरीवन, अब देखिए ये मैंने लिख दिया, इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या हेडिंग बाय नेम एंडिंग डेट बिल्कुल कॉर्नर पे लिखेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि जो आप हेडिंग लिखेंगे थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, यानी थोड़ा सा उसके अपीयरेंस ज्यादा हो, आपकी कॉपी के एक अच्छा खासा स्पेस को कवर करे, तो थोड़ा सा आप लोग डिजाइन वगैरह का यूज कर लीजिएगा कि अच्छी से वो हेडिंग दिखे, लगे कि हेडिंग है। ओके अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या देना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है,
मैंने इस पैराग्राफ में जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, इसमें मैंने इस घटना के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या देना है, क्या हुआ, कब हुआ, और जो थोड़ी बहुत डिटेल आपको मेंशन करना हो इंपॉर्टेंट वो। पहली डिटेल देखिए यही है, क्या रिवर राफ्टिंग गाइड ड्रोन वो डूब गया कहां पे, गंगा रिवर में नियर ऋषिकेश, कहां के पास, ऋषिकेश पास पास में, आफ्टर सेविंग 8 टूरिस्ट। भाई यही हमारी हेडलाइन थी, इसी मैंने यहां मेंशन कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट कहानी है, शुरू होगी। अब ऑल रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई, सारे के सारे जो टूरिस्ट थे कहां के थे, मुंबई के थे, अच्छी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। एंड ही वॉज वेल कन्वर्सेंट विद द एवर एंड हैविंग मोर देन 25 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द शिप फ्लो ऑफ द रिवर इन ऋषिकेश, हाउएवर हिज रिज्म कॉस्ट हिज लाइफ। कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि वो बहुत एक परफेक्ट आदमी था रिवर राफ्टिंग के लिए, उसके 25 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन अपने हीरोइज्म के चक्कर में, हीरोइज्म क्यों भाई, वो बचाने की एक कोशिश उसने किया, उसने बहादुरी दिखाई, ब्रेवरी दिखाई, और अपनी बहादुरी, अपनी हीरोगिरी के चक्कर में उसे क्या गंवानी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पास 25 साल का क्या था, एक्सपीरियंस था, बट उसे आज अपनी जान गंवानी। तो ये देखिए क्या है, एक ऐसा जो काफी अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव भी लग रहा है, और रिलेवेंट डेटा मैंने दिया इंट्रोडक्शन, जो क्या करेगा, रीडर्स की अटेंशन को बढ़ाएगा, उनकी क्यूरियोसिटीज को बढ़ाएगा। अब चलते हम लोग सेकंड पे, सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या करना है, अब हम आएंगे डिटेल पे, वो जो घटना घटी उसके हम जितनी भी जानकारी हम लोग हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो देखिए मैंने वही लिखा, जो मिसहैप है ऑकर्ड अबाउट 2 PM, आप कि भाई वो घटना कब घटी, यानी कोई भी घटना घटी को उनको टाइम होगा, यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपको टाइम मेंशन करना कब घटी, लास्ट सैटरडे, कब, पिछले सैटरडे की बात है। When the raft content carrying the tourist turned turtle while going downstream in the river, ये घटना कैसे घटी, वो जो क्या हुआ, जो बोट थी वो क्या हुई, टर्न टर्टल्ड कौन सा, क्या होता है, कछुए, देख लीजिए, सब जब वो पलट जाता है तो कभी भी सीधा नहीं हो पाता, यानी वो क्या हो गई, अपसाइड डाउन हो गई, और क्या होने लग गया, जो रिवर की जो फ्लो था उसके फ्लो के साथ बहना शुरू हो जाती। फिर क्या हुआ होगा, उस आदमी ने बचाने की कोशिश किया होगा, मैंने उसी को लिखा। फिर ऑल द 8 टूरिस्ट वर सेव्ड बाय 45 ईयर ओल्ड राजेश कुमार। फिर क्या हुआ, उस गाइड ने क्या किया, जो 45 साल का था, उसने लोगों को बचाया। एज ही फिजिकली ड्रैग देम अवे फ्रॉम फास्ट स्वेलिंग वाटर, उसने क्या किया, फिजिकली पकड़ा, और इमेजिन करना है आपको, इमेजिन करते जाइए, लिखते जाइए, अपने मन से स्टोरी को आप बनाने की स्किल डेवलप करिए, घटना कैसे कैसे घटी होगी पहले दिमाग में बनाइए अपने से, और फिर उसको क्या करिए, यहां पर ट्रांसलेट करिए। कुछ ने क्या कि फिजिकली क्या क्या किया, उसने पकड़ करके सब लोग उसने ड्रैग किया, खींचा, खींच करके बाहर निकाला। He managed to reach the last tourist to the shore, और जो आखिरी टूरिस्ट था, आठवां टूरिस्ट, उसको बचाने पर वो एकदम किनारे पहुंच जाता है, बट तभी कोलैप्स, वो लड़खड़ा जाता है एंड फेल इन टू द रिवर ड्यू टू द एग्जॉस्टन, यानी वो थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, और एग्जॉस्ट होने की वजह से वो बेचारा क्या हुआ, कोलैप्स होकर के पानी में गिर गया। ये मैंने इमेजिन किया, उसी को क्या करूं, मैं पूरी एक सीन में बनाते हुए लिख रहा हूं। और फिर क्या हुआ, बाई दैट टाइम बाई स्टैंडर्स होने, बगल में जो किनारे में खड़े हुए थे, केम टू हिज रेस्क्यू, वो भी उसको बचाने के लिए आए, बट दिक्कत क्या थी, चूंकि भाई वो डूब गया, यानी कि वो बचा नहीं पाए, बट टू मच वाटर हैड गॉन इन टू हिज लंग्स, उसके लंग्स में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, पानी जो है चला गया था, और उसे क्या थे, एपॉक्सीडेशन की दिक्कत हो गई, यानी कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो बेहोश हो गया। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, पूरा डिटेल दिया, घटना घटी और एंड तक, जब तक वो प्रॉब्लम में आया, फिर उसे क्या किया होगा, हॉस्पिटलाइज किया गया होगा, वो एंड की बात होगी, वो घटना की बात होगी। अब हम चलेंगे अपने कौन से पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में। सो ही वाज रश्ड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ऋषिकेश, द डॉक्टर्स ट्राइड टू रिवाइव हिम। ये एक अच्छी लाइन, कोई भी घटना घटी आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं इस लाइन को, कि फटाफट उसे गवर्नमेंट जो ऋषिकेश का जो पास का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहां ले जाया गया, और डॉक्टर ने पूरी कोशिश की उसे जीवित करने की, बट नो अवेल, लेकिन उसे नहीं बचा। आफ्टर ट्राइंग फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक उन्होंने क्या किया, कोशिश किया, देन दे डिक्लेयर्ड डेड, फिर उन्होंने उसे डेड घोषित कर दिया। खैर, गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, जो मिसहैपनिंग हुई उसमें गवर्नमेंट ने क्या दिया, एक ऑर्डर दिया, मैंने बताया था क्या इंक्वायरी, क्या एक्शंस लिए गए, वो आप मेंशन करेंगे। हैज एक्सप्रेशंस अनाउंस्ड ब्रेवरी एंड अवार्ड फॉर, उसके लिए क्या किया गया, एक ब्रेवरी का अवार्ड भी अनाउंस किया गया, बहादुरी को उसे इनाम दिया जाएगा, एंड ही ऑलवेज विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उसे अपने बहादुरी के लिए क्या किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। प्लस अब आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे एक दो लाइन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज को कितना अमाउंट, 5 लाख का जो है क्या किया गया, उसके फैमिली को जो है चेक प्रोवाइड किया गया, प्लस उनके फैमिलीज किसी मेंबर को क्या किया गया, किसी प्राइवेट सेक्शन में या उसी डिपार्टमेंट में
या उस एनजीओ ने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट नौकरी देने के लिए प्रॉमिस किया। तो देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने मेंशन करने होते हैं, वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में। अगर आप ऐसे मेंशन करेंगे, बिलीव देखिए ये बहुत इजी कंटेंट आपको ऐसे इजीली आप लिख पाएंगे और डेफिनेटली यहां से आपके 5 में से 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और आर्टिकल्स की तुलना में बेटा ये बहुत इजी होता है, क्योंकि आर्टिकल्स की कोई लिमिटेशन नहीं, पता नहीं किस पॉइंट पे दे दी, किस टॉपिक पे आ जाए, पता नहीं उसके बारे में डेटा आइडिया है या आपको कि नहीं है, वहां पर ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है क्या लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। इस पर प्लीज आप लोग अच्छे से वर्क करिए, प्लानिंग करिए, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना तो बहुत मजा आने वाला है। और आई होप बेटा आपको ये पसंद आया होगा जो मैंने समझाया। और हाँ, अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो इतना तो बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एंड पे आप लोग कमेंट भी अपना शेयर करिएगा कि जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया क्या वाकई आपको वो यूजफुल लगा, समझ में मेरी बातें आई कि नहीं आई। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को मैं कवर करूँ। एक चीज और बेटा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, कंटेंट्स बना रहा हूं, आप लोग उसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप खुद जोड़ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आइए आप देखिए इस वीडियो की, इससे आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे कंटेंट्स कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए लेकर के। चलिए सर, अब बात करेंगे टाइप 2 रिपोर्ट्स और इवेंट, कोई बेटा इवेंट है या फिर कोई फंक्शन है, अब उसके लिए क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी, पहले एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए नाम दे दिया गया है, तो यू आर विनीता ऑब्लिक विनीत, यानी आप विनीता या विनीता आपका नाम है, लड़के हैं तो आप विनीत, लड़की हैं तो विनीता नाम लेकर के आपको चलना होगा। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्कूल, ये आपके स्कूल का नाम है, यानी कि वहां के आप स्टूडेंट हो, लखनऊ का स्कूल है। और रिसेंटली हुआ कि आपके स्कूल ने कल्चर शो जो है क्या किया, कल्चर शो ऑर्गेनाइज किया, वो उसका थीम क्या था, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, देश विदेश से कैसे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट है, उस पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना, अपने मैगजीन के लिए इस पर एक जो है रिपोर्ट लिखनी। अच्छा, रिपोर्ट अब आपको लिखनी है कल्चर शो के लिए, तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग ढूंढनी पड़ेगी, जो कि किसी भी रिपोर्ट राइटिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। तो हमने हेडिंग क्या कर लिया, कल्चर शो विद डिफरेंस, कि कल्चर शो जो बिल्कुल क्या था, अलग था, एक विभिन्न था बिल्कुल। रिपोर्ट कौन बना रहा है, विनीता। इसमें आपको एक ध्यान ये देना है कि आपको डेट और प्लेस मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉलेज का नाम ऑलरेडी आप मेंशन करेंगे, आपकी जो मैगजीन होगी, मैगजीन आपके स्कूल की होगी, ठीक है, तो सीधी सी बात, आपके स्कूल की मैगजीन में आप नाम, आपके स्कूल का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं, ओके ना। अब शुरुआत कहां से होगी, वहीं से कि मेरे स्कूल ने क्या किया, एक प्रोग्राम में जो है अरेंज किया, किस डेट पे हुआ, कौन से VIP गेस्ट आए, क्या क्या प्रोग्राम किए गए, कौन सा प्रोग्राम सबसे स्पेशल था, ओके और हमारे प्रोग्राम की खासियत क्या थी, अंत में क्या किया कि सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यही किसी प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। तो उसी को हमने यहां देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही लिखेंगे कि हमारे स्कूल ऑर्गेनाइज अ कल्चरल शो, भाई हमने बताया कि हमारे स्कूल ने क्या किया। अब इसमें अब देखिए ऑर्गेनाइज किया गया, अब आप कोई भी इवेंट हो, जो भी इवेंट हो आप ऑर्गेनाइज करके उस इवेंट का नाम आप लिख देंगे। तो अवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ कल्चरल शो इन स्कूल ऑडिटोरियम 18th August at 4 PM as part of cultural exchange program between India and Nepal. तो बेसिकली किन दो देशों के कल्चर प्रोग्राम को यहाँ पे दिखाया गया, नेपाल का और इंडिया, इन दो देशों के कल्चर एक्सचेंज, यानी कि इन दोनों के कल्चर को क्या दिखाया गया, इन दोनों देशों के जो कॉमन चीजें क्या है उनको दिखाई गई होगी। तो पहले मैंने क्या मेंशन किया, प्रोग्राम हुआ कहाँ पे हुआ, स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ, कब हुआ और प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हुआ और उसका थीम क्या था, ये मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया। और क्या मेंशन करेंगे, द थीम वाज फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज, दोस्तों क्या कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप, ये मैंने मेंशन कर दिया। फिर क्या, द चीफ गेस्ट वाज कौन थे, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, वो हु इनॉग्रेटेड द शो, तो हमने ये बताया कि जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, फिर हमें क्या बताना है कि उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। आप एक दो लाइन इसमें और मेंशन कर सकती हैं, बाय लिटिंग द कैंडल इन फ्रंट ऑफ गॉड सरस्वती एंड वर्शिपिंग, या जो भी चीज है, थोड़ा सा फंक्शन आपने अपने स्कूल में देखा होगा, पहले गेस्ट आते हैं वो क्या करते हैं, गॉड सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, ओके इन चीजों का आप मेंशन कर सकते हैं। तो इससे आपके एक दो सेंटेंसेस यहां पे और पढ़ जाएंगे, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्या होगा, प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, कई प्रकार के प्रोग्राम वहां पर कराए जाएंगे, कुछ प्रोग्राम किसी विशेष थीम पे रहे होंगे, किसी विशेष कल्चर पे रहे होंगे, आपको इमेजिन करना है और उसी को क्या करना है, उस इवेंट में मेंशन करना है।
देखते मैंने कैसे किया है। देखिए जैसे कि अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग फॉक डांस, ड्रामा, रोल प्ले, म्यूजिकल प्रोग्राम परफॉर्मेंसेस वर स्टेज्ड। ये सारे प्रोग्राम किए, क्या किए गए, स्टेज, स्टेज मतलब मंच पर परफॉर्म किए गए। तो ऐसे आप भी इजिली, आपने देखा होगा फंक्शन, आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, आपको स्पेशल क्या लगा, देखिए वो द रोल प्ले स्टोल द शो ड्यू टू द थीम ऑफ द कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर बिटवीन टू कंट्रीज। तो जो दो कंट्रीज के बीच में जो कल्चर परफॉर्मेंस जो दी जा रही थी, उसने क्या किया, सबके दिलों को जीत लिया। फिर आगे हमने क्या मेंशन किया, एंड फैंटास्टिक एक्टिंग ऑफ द चिल्ड्रन, क्यों, साथ में उसमें बच्चों की जो एक्टिंग थी वो बहुत क्या थी, शानदार थी, आपको तारीफ करना है। जो डांस एंड द डांस वर बोथ क्लासिकल, वहां पे दोनों प्रकार के डांस थे, क्लासिकल जैसे कथक एंड भरतनाट्यम भी हुआ, केवल एक ही कल्चर की बात नहीं हुई, एज वेल एज मॉडर्न, जो मॉडर्न प्रोग्राम्स थे हिप हॉप एंड रॉक। तो कोई भी, ये बहुत ही कॉमन सा रिपोर्ट है जो यूजुअली लिखने के लिए आया करता है। और इन दोनों टॉपिक पे भी क्या हुआ, ये दोनों प्रकार के डांस उसमें अरेंज किए गए। फिर देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि द रेंडरिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ रविंद्र संगीत बाय द आर्टिस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज वर हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए मैंने क्या कहा, प्रोग्राम का जो सबसे स्पेशल प्रोग्राम आपको इमेजिन करें क्या था, उसको आप मेंशन करें जो सबसे यूनिक था, जिसने सभी के जो ऑडियंस थे सबके दिलों पे राज किया, जिसने सबके दिलों को जीत लिया, सबसे ज्यादा जो क्लैपिंग जितने जिस प्रोग्राम में बटोरे होंगे, आप इमेजिन करना, उसको लिखना है। तो क्या था, रविंद्र संगीत पे कई दोनों कंट्रीज के लोगों ने क्या किया, जो प्रोग्राम किया वो सबसे ज्यादा हाईलाइट था और एंड मच अप्रिसिएटेड बाय द ऑडियंस, और सबसे ज्यादा ऑडियंस ने क्या किया, उसी को अप्रिसिएट किया। फिर क्या करना है, और कुछ प्रोग्राम जो जो है आप उनको, जैसे कि द कव्वाली सन बाई बांग्लादेशी ग्रुप, बांग्लादेशी ग्रुप थे, उन्होंने कौन सा सॉन्ग रिप्रेजेंट किया, बांग्लादेशी, एंड ऑडियंस ज्वाइन द कोरस, और ऑडियंस ने भी क्या किया, कोरस में साथ में गाने को गाया, एंड मच डिलाइटेड ऑफ द चीफ गेस्ट, और चीफ गेस्ट को बहुत अच्छा लगा। यानी कि सेकेंड पैराग्राफ में आपको सारे प्रोग्राम के डिटेल्स को इमेजिन करना है। अपने स्कूल के फंक्शन को आप इमेजिन कर लीजिए, कोई शादी विवाह का आ गया, कोई बर्थडे का आ गया, कोई कोई भी चीज़ पर आपको रिपोर्टिंग लिखने के लिए आता है कि आपके स्कूल में कोई फाउंडर्स डे मनाया गया, ओके, या फिर कोई गांधी जयंती सेलिब्रेट की गई, तो क्या क्या चीज़ें की गई, सब में फंक्शन होते हैं, सब में प्रोग्राम होते हैं। तो लगभग आप ये सारे पॉइंट बेटा देखिए, अगर आपको कोई इवेंट में लिखने के लिए आता है, लगभग ये पॉइंट कॉमन होगा। अगर गांधी जयंती सेलिब्रेट की जा रही तो थोड़ा सा आप थीम गांधी जयंती की डाल दीजिए, उन पर कुछ एक्ट किया गया, क्या मैसेज दिया गया, कुछ ड्रामा किया गया, प्लांटेशन किया गया, या सफाई, नीट इंडिया, क्लीन इंडिया पे कुछ टॉपिक दिया गया, दो चार चीजें बस आपको क्या करना, चेंज कर देना, जैसे जैसे टॉपिक आपका बदलेगा, बाकी मैक्सिमम चीजें यही रहेगी। तो आर्टिकल की तुलना में सबसे बेहतर आई विल सजेस्ट यू कि आप किसको मेंशन करें, राइट, लिखें रिपोर्ट राइटिंग। चलिए खैर आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग फंक्शन अब एंड की ओर जा रहा है, एंड की ओर जाता है तो क्या होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, प्रिंसिपल का या फिर चीफ गेस्ट का स्पीच होता है, एंड में वोट ऑफ थैंक्स होता है, वोट ऑफ थैंक्स के बाद एक नेशनल एंथम होता है, और क्या होता है, डिपार्चर होता है। तो उसको बेसिकली आप, और ये आप हर जगह कोई भी इवेंट वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो द शो कंक्लूडेड विद द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑनरिंग द टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो देखिए भाई क्या किया गया, टैलेंटेड बच्चों क्या दिया गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बाद फिर क्या किया गया, चीफ गेस्ट स्पोक, चीफ गेस्ट का भाषण हुआ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। उन्होंने जिन जिन बातों को उन्होंने कहा, उनकी एक दो इंपॉर्टेंट बातें भी आप मेंशन कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किया जितने भी वहां पे बच्चे आए थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस को वहां पे दिया। और एंड में कौन आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे, प्रिंसिपल का आप नाम इमेजनरी मेंशन कर सकते हैं, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। किसी प्रोग्राम का जब एंड होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ ही प्रोग्राम एंड होता है। वोट ऑफ थैंक्स मतलब यहां से प्रोग्राम फिनिश हो गया, और फिर क्या हुआ, द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम। फंक्शन किससे हुआ, एक हमारा जो नेशनल एंथम एंथम गाने के बाद वो एंड हुआ, आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, एंड इट वॉज एन इवनिंग टू रिमेंबर, एक बहुत शानदार इवनिंग थी जिसे ऑलवेज याद किया जाएगा। तो देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो इजीली बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, और सिंपली इसके अंदर आपका रिपोर्ट राइटिंग आपकी बहुत इजी हो जाएगा। बस आप जिन जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया, जैसे ये इवेंट वाला होगा, इन सारे पॉइंट्स लगभग चीजें कॉमन है, इवेंट जो बदला बदलेगा, जैसे मैंने गांधी जयंती की एग्जाम्पल दिया, लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टीचर्स डे पे कोई हुआ तो यही सारी चीजें होंगी, बट टीचर्स डे में कुछ चीजें हर और अलग हो जाएंगी, बच्चों ने गिफ्ट दिया, कुछ और चीजें ऑर्गेनाइज की, खाने पीने का प्रोग्राम रखा गया, ये दो चार छह पॉइंट आप अलग से क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। चिल्ड्रंस डे पे आपको रिपोर्ट बनाना है तो लगभग चीजें यही रहेंगी,
कि चीफ गेस्ट आए, ये आए, वो आए, कुछ बच्चों के लिए ये दिया गया, बच्चों को गिफ्ट दिया गया, लंच का प्रोग्राम या डिनर का प्रोग्राम रखा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लगभग चीज़ ये रहेगी, दो चार पॉइंट्स बस क्या होने, चेंज होंगे। चलिए, तो दिस इज योर होमवर्क बेटा, आज का आप लोग का ये होमवर्क है। देखिए अब ये होमवर्क किस पे, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव टू बी क्वाइट हजार्डस। आपने देखा होगा जहां पे काम लग रहा होता है किसी बिल्डिंग में, किसी जगह, अक्सर वहां पे क्या होता है, बहुत बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार कई लोगों को वहां पे चोट लग जाती है, जान चली जाती है। वो जाती क्यों है, शायद कई सारे जो है लापरवाही की वजह से, उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मालिक है, ओनर है, वो प्रॉपरली इन चीज़ों केयर करते नहीं है, उनको लोगों की जान की परवाह होती नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते जो एनजीओ थी, जो बिल्डिंग सेफ्टी डिपार्टमेंट की, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखा हो, एक सेमिनार रखा है, जिससे क्या किया जा सके, जिसमें उन्होंने सारे जो है कंस्ट्रक्शन जोन के जितने मैनेजर हैं, ओनर हैं, मालिक हैं, प्लस जो वर्कर्स हैं, उनको बुलाया, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें एनर्जी के साथ बूस्टअप करने के लिए कि आपको क्या करें, ये सावधानियां रखनी है, जिससे कि जो जान जाती है, जो लापरवाही से एक्सीडेंट्स होते हैं, ये ना। तो इसमें देखिए कुछ हिंट पॉइंट्स आपके लिए दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अब आप लोग खुद से एक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ये जो मिस हैपनिंग है, जो एक्सीडेंट है, उसका ये पार्ट है, ध्यान रखिए कि कोई इवेंट नहीं है। तो सपोर्ट योर आइडियाज विद द क्लूज गिवन बिलो, नीचे कुछ क्लूज दिए गए, जैसे कि सेफ्टी फेयर प्रोग्राम रखा गया, इसको आप लोग एक हेडिंग भी बना सकते हैं। उसमें क्या क्या बताया गया, टूल बॉक्स टास्क, या आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, उस पर बातें हुई। साथ में वीडियो एक दिखाया गया, किसको डेडिकेटेड था, वो लोग जिन लोग का एक्सीडेंट हुआ, जिनके साथ मिस हैपनिंग हुई इस फील्ड में, उनके उनको डेडिकेट करते हुए। साथ में स्पीच, कुछ भाषण भी दिए गए अवेयरनेस वाले। कई सर सेफ्टी गेम भी कराए गए, जिससे कि सेफ्टी गेम आपने जैसे देखा होगा, कई बार यूट्यूब पे वगैरह देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा, जैसे घर में गैस में आग लग जाती है, तो उसके लिए कई सारे गेम कराए जाते हैं कि आग लगाया जाता है, फिर आपको ट्रिक सिखाएंगे कैसे सिलेंडर में आग लगने पे आप खुद को बचा सकते हैं, कि आपको गीला कपड़ा क्या करना है, गीला करना क्या करना, चारों ओर से रैप कर देना है, प्लस सेफ्टी गेम्स कराएंगे, आपको इमेजिन करना है और इसको प्रॉपर एक सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, प्लस सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन, आपको सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया गया कि कोई घटना घट जाती तो आप किस प्रकार से भागेंगे, क्या क्या एक्शंस आपको लेनी है, वो सब उसमें सिखाया गया। प्लस इनाग्रेटिंग स्पेशल इंश्योरेंस प्रोग्राम, प्लस एक इंश्योरेंस प्रोग्राम भी उसमें इनाग्रेट किया गया, ओपनिंग की गई कि अगर किसी घटना घटती है, किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उसे कुछ इंश्योरेंस, एक सम ऑफ अमाउंट क्या हो दिया जाएगा, सभी इंश्योरेंस प्लान के बारे में अवेयरनेस दी गई। प्लस इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल, इमरजेंसी में की ड्रिल कराई गई कि अगर ये घटना घट गई, कुछ हो गया, तो आप क्या क्या करेंगे। वोट ऑफ थैंक्स दिया गया, और बाद में क्या हुआ, जितने जो बॉस थे, सब लोग बॉस के साथ बैठ करके क्या करते हैं, उसे लंच करते हैं एम्प्लॉयज, इससे क्या होगा, आपस में कैजुअल बातें होंगी, वो एक दूसरे को समझेंगे। इन सारे पॉइंट्स को आपको सेंटेंसेस में क्या करना है बेटा, लिखना है, पर लाइन वाइज लाइन। पहले प्रोग्राम हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, कब ऑर्गेनाइज किया, डेट क्या थी, कौन कौन से लोग आए थे, फिर क्या 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 हुआ, वो डेट मेंशन करेंगे, उसका इंपैक्ट क्या, उन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है। सो होपफुली बेटा आज का जो मेरा एफर्ट था, आज की जो मेरी कोशिश थी, आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली बेटा अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो देर इज नो डाउट 5 out of 5 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। ओके एवरीवन, और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि इनविटेशन के बेटा वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से वीडियो को आप चेक करिए, अगर आपको नहीं मिलती तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू गिव यू लिंक इन योर कमेंट सेक्शन। ओके एवरीवन, और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट बेटा अच्छा लगा, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस लिंक को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, आपके जितने भी स्कूल मेट्स हैं, आस्क फ्रॉम एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो एंड आस्क देम एज वेल टू शेयर देयर फीडबैक्स एज वेल, क्योंकि उन्हें अगर आप शेयर करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, तो मुझे अच्छा लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। अगर कम बच्चे देखते हैं, हमें भी लगता है बच्चों को मेरा वर्क पसंद नहीं आ रहा है, साथ मेरे एफर्ट में कुछ कमी है वगैरह वगैरह, तो आप लोग पूरी कोशिश करिए कि आप अपना रिस्पांस जरूर दीजिए, क्योंकि हम देखिए एक ऑनलाइन कांटेक्ट में है, मैं फिजिकली अगर आपके साथ हो तो आपकी एक्सप्रेशंस को मैं सामने से समझ पा रहा होता, उस समय आपकी कन्फ्यूजन को मैं शॉर्ट आउट कर पा रहा होता, आप किस लेवल से आपको दिक्कत है उनको मैं पता कर पा रहा होता, बट ऑनलाइन आपकी प्रॉब्लम्स मुझे तभी पता चलेगी जब आप अपनी बातें मुझे शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है तो आप पॉजिटिव जो भी आपका व्यू है उसको दीजिए, कहीं पर दिक्कत आ रही, किस टॉपिक पर दिक्कत आ रही, देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली बट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी पूरी प्लानिंग है कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके सिलेबस को फिनिश करना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना, जिससे इजिली अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग ला पाए, और मेरी कोशिश होगी कि इजिली आप 95+ मार्क्स तो ले ही,
चलिए आज के साथ, आज इसी बात के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेटर राइटिंग या फिर नोट मेकिंग, देखते हैं किस पे बनाती है। फिलहाल मुझे इस पर आपको बढ़िया रिस्पॉन्स चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।